हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में जैसे कि आपको पता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों की उसमें हैं, जिसमें कि कुछ प्राइवेट हैं, कुछ रेगुलर हैं, कुछ आपका डिस्टेंस में काम करती हैं, कुछ आपका ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो उसी में से आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में हिमालयन गढ़वाल बोलते हैं। वैसे अगर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम अगर हम बात करें तो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hgu.ac.in, वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है, इसका कैंपस है। यानी कि अगर आप जाएँ, वैसे बहुत अच्छी पीसफुल जो जगह है वहाँ पर है ये इंडिया की। इसके बाद बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी कि यूनिवर्सिटी कब से ये काम कर रही है। 2016 में इसको इस्टेब्लिश हुआ था, 7 दिसंबर 2016 को इसको UGC से अप्रूवल मिला था। अब कुछ लोग होते हैं UGC की वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर नो आ रहा है ऑडिट का, तो वो कहते हैं कि सर इसको UGC का अप्रूवल नहीं है। तो UGC का अप्रूवल का जो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी को जब होता है, यूनिवर्सिटी का ऑडिट जो होता है UGC कभी भी कर सकता है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक नो होता है, मतलब उसका। लेकिन ये नहीं है बिल्कुल भी कि अगर उससे आप कोई कोर्स करते हैं तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, पूरी तरीके से वो वैलिड माना जाता है। तो यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हैं तो 100% वैलिड है, ऑडिट नहीं हुआ है जब भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं अप्रूवल्स की ही, कि अगर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स की बात करें, कौन कौन से अप्रूवल हैं। तो UGC का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को 7 दिसंबर 2016 को मिल चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ दूसरे अप्रूवल्स में, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। कोर्सेज़ अगर हम बात करें UGC के जो अंडर में होते हैं, यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज़ करवाती है, तो अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hgu.ac.in पर जाएंगे तो वहाँ पर होम पेज पर ही आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरे अपना लिस्ट दिए कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कोर्सेज़ हैं, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ है और साइंस है और वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज है। इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए हाँ ये है कि आप बोल सकते हैं कि इसको AICTE का अप्रूवल है या नहीं। तो आपको बता दूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी को कभी भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमेशा कॉलेजेस को होती है। तो यूनिवर्सिटी उसको इंजीनियरिंग कोर्स करवा सकती है, बीटेक, एमटेक, और वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। फिर बात करते हैं कि इसके अलावा मेडिकल में जो है फार्मेसी, बी फार्मा और डी फार्मा, ये कोर्सेज आप वहाँ से कर सकते हैं और लॉ कोर्सेज आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा आपका वो कि क्या क्या कोर्सेज यूनिवर्सिटी पे हैं। फिर बात करते हैं कि अगर हम बात करें, आपने कोई भी कोर्स किया है यूनिवर्सिटी से तो आप रिजल्ट्स चेक अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट कॉर्नर। जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपके पास पॉपअप आ जाता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका सेशन कौन सा था, आपका सेमेस्टर या ईयर कौन सा था, उसके बाद आपका जो है कि रोल नंबर आपको डालना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद जो आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका रोल नंबर, एनरोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग और जो भी आपकी मार्कशीट के मार्क्स थे उसका एक वहाँ पर शो हो जाता है। तो इस तरीके से होता है कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि अगर हम बात करें डिग्री आपको अप्लाई करनी है तो डिग्री के लिए आप क्या करें। डिग्री के लिए यह वेबसाइट पर ही सबसे ऊपर होता है कि अप्लाई डिग्री का ऑप्शन आ जाता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो एक PDF फॉर्म में एक डिग्री का फॉर्म आ जाता है जिसको आप प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद उस प्रिंट में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका बेसिक डिटेल होती है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, वो सारी चीज़ें आप फिल करेंगे और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 4000 रुपये यूनिवर्सिटी को पे करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए जो आप DD बनाएंगे उसका होता है महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पेबल एट देहरादून। आपका जो होगा ये है वेबसाइट। इवन जो आप डिग्री प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म, तो उस पर भी नीचे ये दिया हुआ है, तो उसको बड़े केयरफुली फिल कीजिएगा क्योंकि ये पौड़ी गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है लेकिन देहरादून पे उसका पेबल होता है, तो वहाँ कहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस तरीके से आप डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आपको जो वहाँ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, आपका आधार कार्ड होगा बोथ साइड यानी आगे पीछे से, और इसके अलावा आपका जो होगा कि आपका आधार कार्ड के साथ आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फॉर्म पे चिपकाना होगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन अगर आपने वहाँ से किया तो तीनों ईयर की सारी मार्कशीट्स आपको फोटोकॉपी डिग्री के फॉर्म के साथ लगाकर यूनिवर्सिटी को कुरियर करना होगा।
तो इस तरीके से आप वहाँ पर डिग्री अप्लाई करते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ होती है कि कई बार होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करें, तो उसके लिए भी यह है यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली वेबसाइट पर ही उसका भी फॉर्म दिया हुआ है सबसे ऊपर ही, जिस पर आप क्लिक करते तो वहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो किसी भी स्टूडेंट को डिग्री के लिए नहीं देंगे, बट अगर स्टूडेंट के अलावा कोई थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन होती है, कोई भी फिजिकल वेरीफिकेशन होती है, तो उसका एक पूरा फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करके, और उसमें ये होता है पर डॉक्यूमेंट जो है 2,500 रुपीज़ का चार्ज लगता है, जिसमें कि आप अपना डिग्री वेरीफाई यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ना कि आप खुद कर सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी कर सकती है जो इसी तरह के वेरीफिकेशन के काम करते हैं वो कर सकते हैं, बट वो सिर्फ स्टूडेंट को नहीं देते हैं। और बात करते हैं अगर RTI आप लगाते हैं तो RTI में ये है कि यूनिवर्सिटी हमेशा उससे बचती है, तो हाँ RTI में आपको डिले करेगी, और RTI का रिप्लाई भी यूनिवर्सिटी अधिकतर यही करती है कि हमने एक प्रोसेस दिया हुआ है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो वेरीफाई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था हिमालयन गढ़वाल के ऊपर पूरा ओवरव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।